अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज जहाज़े बाज़ार लाइव फ्रॉम फेसबुक। आज हम मौजूद हैं हैशटैग के एपिसोड 3 में, हैशटैग का सीज़न 1 एपिसोड 3। आप लोगों के बेहद इसरार के बाद हम लोग वापस अपने एपिसोड 3 पे मौजूद हैं अपने एक नए गेस्ट के साथ। हैशटैग एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की, ट्रेंड्स की, और जानते हैं अपकमिंग टेक्नोलॉजीज पे अपने गेस्ट से, जो कि हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मुनीब हमारी ही एक एपटेक RFSL सेंटर के पास आउट स्टूडेंट, जो कि इस वक्त दुबई बेस्ड हैं, वहाँ पे अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं। तो आज हम अपना हैशटैग का एपिसोड 3 इनके साथ करने जा रहे हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मुनीब कैसे? अल्लाह का शुक्र सर। आप अच्छा, सबसे पहले मुनीब थैंक यू सो मच कि आपने अपने प्रीशियस टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए आपने हमारी बात पे एग्री करा कि आप हमारे साथ इंटरव्यू देने के लिए राजी हैं। सबसे पहले जी उसके सर, लिए थैंक यू सो मच। ये तो बस एपटेक का शुक्र, थोड़ा एपटेक का शुक्र गुजार हूँ, जो तो मैं उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी कि वो काबिल समझते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को जो है मुझसे इंटरव्यू लेके जो है गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले एपटेक का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे जो है इतनी इंपॉर्टेंस दी। जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी जो है ना, जी सर आप थोड़ा सा अपना इंट्रो बता दें हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कि आप बिल्कुल एपटेक चार के पास आउट स्टूडेंट हैं और आप इस वक्त यूएई में किस टाइप का सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं, ताकि फिर हम उसके हवाले से थोड़े से आपके साथ सवाल जवाब करें जो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें ठीक डीएम में कि हमें इन है टेक्नोलॉजीज पे सर, आज आपसे बात करें। ठीक है सर। तो बेसिकली सर 2017 के अंदर जो है ना मैंने वो एपटेक के अंदर एडमिशन लिया था। तो बेसिकली कोई ऐसा इरादा नहीं था कि एपटेक जाना है, और कभी पहले सोचा भी नहीं था। बस ये था कि कंप्यूटर की फील्ड में इंटरेस्ट था और बस ये कुछ करना था। तो बस मैट्रिक क्लास में था मैं सन 2017 के अंदर, तो मैंने मैट्रिक के पेपर देते के साथ ही मैंने एडमिशन ले लिया था एपटेक में। तो फिर वो टाइम गुजरता गया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फिर थोड़ी समझ आने लगी कि टेक्नोलॉजी क्या है। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टेक्नोलॉजी का दौर और बढ़ता ही चला गया यहाँ पर। तो फिर आहिस्ता था जब मैं थर्ड सेमेस्टर में आया था, तो फिर मैंने डॉट नेट हमारा जो है ना वो चल रहा था कोर्स के अंदर, तो डॉट नेट को जो है ना वो मैंने पकड़ लिया था कि नहीं यार, ये लैंग्वेज जो है ना मुझे आगे लेके जानी है अपने साथ। तो फिर उसके साथ मैंने काम करता गया, 1 साल लगाया डॉट नेट के ऊपर। फिर हमारे पास PHP आ गई, PHP के साथ हमारे पास और उसके अंदर डीप में जाते जाएँ तो हमारे पास जो सेमेस्टर हैं एपटेक का, जो पूरा स्केड्यूल होता है उसके अंदर 6 सेमेस्टर के अंदर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही हैं। तो शुरू आपको जो है ना वो MS ऑफिस से स्टार्ट किया जाता है, और फिर आपको देन फर्दर आपको इम्प्रूव कराते कराते आपको लास्ट जो है ना आपको एंड्रॉयड तक लेके जाते हैं। तो इसी तरह मैं भी जो है ना वो एपटेक के साथ चलता रहा 2017, फिर 18, 19, तो इस तरह से जो है ना मेरा प्रोसेस चलता रहा। तो मैं जो जॉब पे लगा था वो लगा था 2019 के एंड में, जब कोविड आ गया था। तो उस वक्त IT की फील्ड के अंदर एक अचानक से बूम आया था, क्योंकि पूरी आपको जो पता दुनिया बंद हो गई थी और कोई भी चीज़ है ना मैनुअली काम नहीं हो रहा था, सारा जो है वो ऑटोमेट हो गया था काम। तो देन जो है ना वो उस बूम में मैंने जो है ना एडवांटेज लिया, और मैं एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी कराची के अंदर। तो वहाँ पे हमारे पास जो मेरा रोल होता था वो एज अ जूनियर डेवलपर था मैं। तो उससे पहले अगर मैं कंपनी का बताऊँ मैंने किस तरह से जॉब करियर स्टार्ट किया, तो मैंने अनपेड जो है ना इंटर्नशिप भी की है कहीं पे, और ऐसी जगह पे काम किया है जहाँ पे जो है ना काफ़ी डिमोटिवेट भी किया जा रहा होता था कि भाई आपको काम नहीं आता है, आपको जो है ना एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसको भी मैंने फेस किया, लेकिन फिर अपने आप को कंसिस्टेंट रखा मैंने कि नहीं, मार्केट में अगर आया हूँ तो मुझे एक जगह अनपेड भी अगर मिल रही है जॉब, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है। तो फिर एक्सपीरियंस गेन करता गया मैं, और फिर उसके बाद मैं एज अ जूनियर अपॉइंट हुआ वहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। तो वहाँ पे फिर जब जूनियर अपॉइंट होने के बाद मैंने अपनी स्किल्स को पॉलिश करा, क्योंकि जब आप मार्केट में आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं कि मार्केट में किस तरह से काम हो रहा है। एक एपटेक में प्रोजेक्ट बनाना और एक मार्केट लेवल पे प्रोजेक्ट बनाना बहुत डिफरेंट है, उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें लर्न करी। फिर एपटेक मुझे जो मतलब था वो एपटेक का जो मुझे प्लस पॉइंट था वो ये था कि जो अगर ऑफिस में कोई मुझे जो है ना काम मिल रहा है, तो वो मुझे एपटेक के जो फैकल्टीज होते थे, वो जो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं हमारे, तो वो मुझे थोड़ा हेल्प करते थे कि देखो इस तरह से जाना, पे ये स्टेप आपने लेना है, यहाँ पे इस तरह, यहाँ पर अगर फंस रहे हो तो ये आपने यहाँ यहाँ गाइडेंस लेनी है। तो वो एपटेक की जो फैकल्टी है उनका काफ़ी रोल इसके अंदर रहा है मुझे, अगर मैं यहाँ इस पोजीशन पे हूँ तो। तो उसके बाद देन फिर जो ना आगे वक्त गुजरता गया, वहाँ पे मैं एज अ सीनियर अपॉइंट हो गया, फिर मेरा जो ना रोल बढ़ता गया, फिर मैं एज अ टीम लीड अपॉइंट हो गया। तो ये जो भी सारी चीज़ें मेरी ग्रोथ हुई है वो विद इन ईयर हुई है, मतलब 2020 के अंदर मैं अपॉइंट हुआ हूँ अगर, तो 2020 के लास्ट में मैं एज अ टीम लीड वहाँ से निकला। फिर मैंने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन करी और वहाँ पे भी मैं एज अ सीनियर लारावेल डेवलपर हो गया था वहाँ पे।
और देन टीम लीड जो मेरा रोल था उसको मैं और कंटिन्यू करते ही जा रहा था। तो इसी तरह एयर चलता गया और 2021 स्टार्ट हो गया। तो उसके अंदर फिर मैंने जो ना इरादा किया कि नहीं, अब मुझे जो है ना एक अपना खुद का काम करना चाहिए। अगर मेरे पास इतनी नॉलेज आ चुकी है कि मैं एक अपना ऑफिस भी कर सकता हूँ। तो मैंने 2-3 जो ना वो पार्टनर्स लिए और उसके बाद जो है ना उनके साथ एक छोटी सी कंपनी लॉन्च करी। तो वो समझे कि 3 महीने के अंदर ही उसके अंदर वो मुझे जो है ना बहुत लॉस हुआ और कंपनी में चला नहीं सका सही। तो वो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप था। फिर सेकंड स्टार्टअप मैंने लिया था कि भाई एक ऑनलाइन मार्केट बनाता हूँ मैं, जिसके अंदर मैं ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट अपनी वो सेल करूंगा। तो देन उसके अंदर ही मैंने काम किया, लेकिन वो भी मुझे समझ नहीं आई मार्केट और देना, उसमें भी मैंने थोड़ा मुझे लॉस हुआ, लेकिन फिर मैंने फौरन ही उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। देन ये जो अभी मेरा ड्रीम्स प्लानट के नाम से मेरी कंपनी है, वो मुझे तकरीबन उसको रन करते हुए 1 साल हो गया कंप्लीट। 2021 के अंदर मैंने जनवरी में स्टार्ट करी थी कंपनी और आज जो है ना उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अलहमदिल्ला। तो बेसिकली जो हमारा काम है वो ये है कि हम लोग मार्केट में सॉफ्टवेयर हाउस तो एक है ही, वो साथ में हम लोग उसको एफिलिएट मार्केट की तरफ भी लेके जाते हैं। तो अब उसमें क्या है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हाउस की अगर हम बात करें जैसे आईटी इंडस्ट्री के अंदर, तो हमारे पास जो है ना जो CMS है जिसमें जैसे वर्डप्रेस आ गया, आपके पास शॉपिफाई आ गया, आपके पास Wix.com है, आपके पास जूमला ड्रूपल, तो इन चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। साथ साथ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं उसके अंदर PHP लारावेल और हमारे पास .NET MVC जो है, इनके ऊपर बेसिक जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ERP बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम उनको जो है ना यहाँ पर डेवलप कर रहे होते हैं। हमारे पास हाईली क्वालिफाइड जो है ना एक्सपीरियंस जो मेरे पास स्टाफ है तो वो उसके ऊपर वर्क कर रहा होता है। साथ साथ हम लोग जो अभी मार्केट जो सिनेरियो करंट चल रहा है वो ये चल रहा है कि आप जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाए, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन Web 3.0 का दौर आ चुका है। Web 3.2 के अंदर 3.2.0 के अंदर सॉरी जो है ना वो आपका वेबसाइट्स के ऊपर काम होता था और क्या ना वेब एप्लीकेशन पे काम होता था। अब जो दौर आ गया वो आ गया AI बेस्ड और जो है ना Web 3.0 के अंदर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन का दौर आ गया, क्योंकि अब लोगों के पास जो है ना वो टाइम बहुत शॉर्ट हो गया। अब वो चाह रहे हैं कि सिर्फ स्क्रोलिंग के ऊपर हमारा काम हो जाए और इतना सिर्फ वो क्लिक एंड क्लिक के ऊपर हमारा काम हो जाए, मुझे पेज लोड के ऊपर अपना जाना पड़े। तो जिस तरह से वक्त गुजर रहा था मोबाइल एप्लीकेशन के दौर आ गया, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो फ्लटर के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड्रॉयड के ऊपर काम कर रहे हैं, आयोनिक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को लेते हुए साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा है कि हम लोग जो काम उठा रहे होते हैं वो लोकल मार्केट से भी उठा रहे हैं, UAE की और पाकिस्तान के बेस जो है ना जो वहाँ की लोकल मार्केट है वहाँ से भी हम काम ले रहे हैं। साथ में साथ जो है ना हम लोग US से और हमारे पास जो है ना फ्रीलांस जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अपवर्क है, फाइवर है, freelance.com है, तो यहाँ से भी हम जो है वो काम ले रहे होते हैं। जो हमारी सेल्स की टीम है वो हमें यहाँ से भी काम ला के दे रही होती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो अल्लाह का शुक्र है अभी जो है ना काफ़ी अच्छी सूरत हाल चल रही है मार्केट की भी, और जो दूसरा हमारा इसके साथ जो हमारा वो चल रहा है क्या कहते हैं काम का सिलसिला, वो एफिलिएट मार्केटिंग का काम का सिलसिला चल रहा है और ड्रॉप शिपिंग अमेजोन वगैरह ये सारी की चीज़ों को भी हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, थैंक यू सो मच। आपने मतलब अपने बारे में इतना ब्रीफ डिफाइन करा। बेसिकली कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं मेरे पास जो स्टूडेंट्स ने किए, मैं आपके हवाले से, क्योंकि जब हमने अपनी चीज़ अनाउंस की थी कि हम अपने एक पास आउट स्टूडेंट के साथ एक सेशन करने वाले हैं जो कि एक दुबई बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस एक सक्सेसफुली पिछले 1 ईयर से रन कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने पिछले जी रिकॉर्ड में आपके देखा था कि आपने हमारे काफ़ी बच्चों को प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में भी काफ़ी हेल्प करी है इसके हवाले से। तो मैं थोड़ा सा एक गाइडलाइन आपके अपने स्टूडेंट्स को आपकी तरफ से दिलवाना चाहूंगा कि आपने एक बोला कि मैं 2017 में जब मैंने एपटेक शारिया फैसल सेंटर ज्वाइन किया था तो उस वक्त एज सच कोई मेरा आइडिया नहीं था आईटी की फील्ड में आने का, लेकिन जब फिर मैंने स्टार्ट करा तो फिर मेरा इंटरेस्ट बनता गया। तो मैं बिल्कुल सवाल करना चाह रहा था कि जब आपने स्टार्ट लिया तो आपको इसमें कोई डिफिकल्टी फील हुई कि आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना मुश्किल हो रहा था? ये मतलब जो हमारे जनरल लोगों के सवाल जवाब होते हैं कि आईटी की फील्ड थोड़ी सी मुश्किल है, हम किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं और हम नहीं कर पाएंगे, तो इस हवाले से थोड़ी सी गाइडलाइन चाहिए मुझे आपसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए। असल में 2017 के अंदर जब मैं तो था मैट्रिक के अंदर, तो मेरे पास तो कोई इतना एक्सपोजर भी नहीं था और कोई मार्केट की भी कोई नो हाउ नहीं थी मुझे। जो मेरे कजन्स थे वो यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन वो आपको पता जैसे यूनिवर्सिटी का लेवल और एक एपटेक का लेवल बहुत डिफरेंस है। आप यूनिवर्सिटी में थ्योरिटिकल सारा चीज़ें कर रहे होते हो और एपटेक में प्रैक्टिकल वर्क आप कर रहे हो। तो मुझे तो इस चीज़ का आइडिया था नहीं और ना उनको इस चीज़ का था कि वो एपटेक क्या है और एपटेक क्या चीज़ डिलीवर कर रहा है स्टूडेंट्स। तो एक मेरा दोस्त था, तो मेरी ऐसी बात हो रही थी कि यार हमें कुछ करना है आईटी के अंदर, तो कहता यार एपटेक कराता है, अब पता नहीं एपटेक क्या है ना। मैंने कहा चलो मैं बात करता हूँ फादर से और जिंदा फिर एपटेक में एडमिशन लेता हूँ। मैंने फादर से डिस्कस किया, अपने फादर ने बोला तुम्हें देखो जो बेहतर लग रहा है आगे जाना है तो उसमें एडमिशन लो, कोई मसला नहीं है। तो एडमिशन मैंने आके लिया, तो
तो फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो एमएस ऑफिस था, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत आसान करते हैं। फिर सी प्लस प्लस आ गई, तो सी प्लस प्लस जब आई तो थोड़ा सा मैं जो ना वो डर गया। मैंने कहा ये क्या ब्लू स्क्रीन सामने आ रही है और इस पर हम क्या काम करेंगे, तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आने लगा। मुझे कहा मैंने कहा यार मैंने गलत एडमिशन ले लिया शायद। लेकिन फिर जैसे जैसे आप एक इंडस्ट्री में आ जाते हो और कंसिस्टेंट रहते हो अपने साथ और उस काम के साथ, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती है। फिर हमारे पास उसके बाद जो ना फिर आगे डेटाबेस आ गया, एसक्यूएल डेटाबेस की मालूम हुई थी कि हाँ, फिर पता चला कि कोई भी चीज़ हम नेट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो वो कहीं एक रिकॉर्ड में जाके सेव हो रही है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रेन जो है ना वो खुलना शुरू होता है कि हाँ यार ये टेक्निकल चीज़ें हैं, यहाँ पे जाके आपका रिकॉर्ड सेव हो रहा है। फिर आप जब उसको पढ़ते हो तो क्या अच्छा रिकॉर्ड तो सेव हो रहा है, उस जो फ्रंट पे आप वेबसाइट देखते हो वो कैसे बनती है। फिर हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है HTML आ गई और इस तरह से आ गई। फिर हमने देखा कि अच्छा इस तरह से वेबसाइट्स बनती हैं, इधर हम जो यूज़ कर रहे हैं फेसबुक, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हम मैसेज कर रहे हैं तो वो कहाँ जाके सेव हो रहा है हमारे। तो इस तरह से फिर आपका जो ना माइंड खुलता रहता है और फिर आपको इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। तो थर्ड सेमेस्टर में जाके मैं ये चीज़ समझ गया था कि नहीं ये चीज़ बहुत आगे जाने वाली है, तो आपने इसको जो है ना सिंसियर होके और अपना फुल टाइम देना है। आपको नहीं समझ आ रहा तो आपके आपके पास एपटेक के अच्छी फैकल्टी मौजूद है जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड फैकल्टी है, जिसके अंदर जो अगर पर्सनली मुझे जिन लोगों ने ग्रूम किया है उसके अंदर सर जावेद अवान जो कि एपटेक के मास्टर ट्रेनी है, और साथ साथ जो है ना हमारे सर जुहेब, सर मिस जैनब जो है ना, इनका काफ़ी रोल रहा है जो कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। मैं जो कहीं भी कोई इशू होता था किसी चीज़ में मैं फंसा था, तो वह उनकी तरफ से जाता था कि सर मुझे ये इशू हो रहा है, मिस मुझे ये मसला है, तो वो फ़ौरन ही मुझे कह किया जाना मैं बिठा के और ये चीज़ें मेरी डाउट सारे मेरे क्लियर हो जाते थे। तो ऐसे जगह में बात करूँ तो एपटेक के अंदर अगर आप आते हो तो ये मत सोच के आओ कि एपटेक में आ रहा हूँ और मुझे मेरी लाइफ बहुत टफ हो जाएगी, आईटी की इंडस्ट्री में आ रहा हूँ बहुत मुश्किल है, कोडिंग कौन याद रखेगा। देखो कोडिंग कोई भी याद नहीं रखता, आप गूगल करोगे, स्टैक ओवरफ्लो खोलोगे, आपको कोड सब जगह मिल जाएगा। आप गिटहब खोलना, गिटहब पे पूरा कोई पूरे प्रोफाइल प्रोजेक्ट बने हुए हैं, आप वहाँ से कोड डालो और सब चीज़ मिल जाएंगे। लेकिन असल चीज़ होती है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपको कोई भी लैंग्वेज दे दी जाए आप उसके ऊपर काम कर लो। तो यहाँ पर आने का आपको बेनिफिट ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। आपने अभी एक वर्ड मुझे बोला कंसिस्टेंस, तो मुझे थोड़ा सा इन सब चीज़ों का और थोड़ा सा आपने अपने इंटरव्यू में मुझे ये चीज़ बताई कि जब आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की तो उसमें आपको स्टार्ट के 3 मंथ जो थे वो लॉस के थे, तो उस दौरान भी कंसिस्टेंट रहना, मतलब मेरा अगला सवाल आपसे इन शॉर्ट ये है कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इन सब चीज़ों से रिलेटेड, कि जब हम एक कहीं से पास आउट होके अपना कोई स्टेप लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें किन किन चैलेंजेस का सामना होता है। सर सबसे पहले तो ये होता है कि आपके पास सबसे पहले कोई एक्सपोजर नहीं है, देन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, आपके पास सिर्फ स्किल होती है। आप उस स्किल बेस के ऊपर ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे जो है ना अपना सेटअप करना है। अब आप इन्वेस्टमेंट के लिए भागदौड़ करोगे, कहीं से इन्वेस्टर देखोगे आप, जो इन्वेस्टर के लिए आपके पास जो एपटेक प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म्स, वो आपके पास आईटी विजन हो गया, इस तरह के प्लेटफॉर्म एपटेक प्रोवाइड कर देता है, तो वहां से आप अपना आइडिया पिच करो। और आप कराची के अंदर तो बहुत सारे ऐसे इंक्यूबेटर सेंटर भी हैं जहाँ पे अपना आइडिया पिच करते हो और वहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट या फंड मिल जाते हैं। तो एक तो ये अलग वो है ना कि आपको वहाँ से इन्वेस्टमेंट मिल रही है, या तो फिर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि आप अपना स्टार्टअप करें। तो दो चीज़ें, आपके पास एक्सपोजर नहीं है और आपके इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आप स्किल बेस के ऊपर आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आपने अपना काम करना है। तो सबसे पहले तो आपने टीम चाहिए, वन मैन आर्मी का अगर आप काम समझते हो कि मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस चला लूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। कि अगर आप, मैंने जो है ना वो स्टार्ट किया था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम लोग रात में 4-4 बजे रात तक जागते थे कि अगर हम लोग देना दिन में एपटेक जा रहे हैं, शाम में हमारी स्टडीज भी चल रही है, इंटर भी चल रहा है साथ में, तो फिर हमें इसको अगर ग्रो करना है तो हमें क्या करना है। तो हमने क्या किया, अपने 4-4 बजे रात तक हम लोग जाग के जो है ना अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर देते थे, क्योंकि क्लाइंट को डेडलाइन मीट करनी है। अगर हम क्लाइंट की डेडलाइन मीट नहीं करेंगे तो फिर हम आगे नहीं सक्सेस कर सकते, बढ़ नहीं सकते उसके साथ, और वो फिर हमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं देगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अब हर किसी का कंफर्ट जोन अलग है। अब मेरा कंफर्ट जोन ये था कि मैं रात में 4 बजे भी अगर जाग के काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह का जो ना आपको चैलेंजेस फेस करने होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास अगर आप के नेट के इशू हो गया, अब आपको क्लाइंट की डेडलाइन मीट करनी है, आपके पास काम की डिलीवर करना है एक ही दिन है आपके पास, लेकिन आपके पास नेट नहीं है, तो आपको एक चैलेंज आपके पास आ गया कि अब आपने नेट अरेंज करना है कहीं से भी। अब आप पैकेज कराओ या कोई डिवाइस परचेज करो, किसी हाल में आपने आपको डिलीवर करना है। आप ये नहीं कह सकते क्लाइंट को कि मेरे पास नेट नहीं है, मेरे पास कुछ इश्यूज, आपने जाना एक्सक्यूजेस नहीं करने। अगर आप एक्सक्यूजेस को देखेंगे अपने सामने तो वो बढ़ते चले जाएंगे और आप काम नहीं कर सकेंगे। तो मेरे साथ तो इस तरह से बहुत सारे आए कि मेरे पास ना एक्सपोजर था ना इन्वेस्टमेंट थी, मेरे पास जना बंदे भी नहीं थे काम करने के लिए, तो मैं लगा रहता था अपने लिए खुद ही का, बस मुझे डिलीवर करना है किसी तरह, मुझे डिलीवर करना है। तो ये बस था कि इस तरह से अगर आप चलोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मुनीब, आपने मुझे बताया कि आपका यूएई बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस है, तो
जिसमें आपके पास वहाँ पे तकरीबन 20 एम्प्लॉयज हैं और आप पाकिस्तान से भी कुछ फ्रीलांसर स्टूडेंट से काम करवाते हैं। तो आप पाकिस्तान में या ओवरऑल वर्ल्ड में फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं, या आप इसके लिए क्या पिच करना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि वो फ्रीलांसिंग में किस तरह से खुद को, कि इस तरह से स्टार्ट में प्रोजेक्ट मिलना थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है और बच्चे बहुत स्टार्ट में, स्टूडेंट बहुत स्टार्ट में डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा क्या गाइड कर सकते हैं? तो इसमें देखें, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं जब मैंने आज से 2 साल 3 साल पहले अपनी प्रोफाइल बनाई थी फाइवर पे अपवर्क, तो मुझे भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता था। मैंने तकरीबन 2 ईयर्स अपने ऐसे लगाए अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने में, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग करने के लिए। फिर मेरा पोर्टफोलियो जब स्ट्रांग होता रहा तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपने अपना जो है ना वो पोर्टफोलियो स्ट्रांग करना। आप कोई भी क्लाइंट का काम कर रहे हो, एक्स वाई जेड छोटा सा भी काम कर रहे हो, तो आपने उसको पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करो और उस पोर्टफोलियो को शोकेस करो कहीं के ऊपर। जैसे आप अपनी वेबसाइट बना लो, जैसे मैंने अपनी अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाई है और मैं उसके ऊपर अपने जो है ना जितने ही प्रोजेक्ट्स होते हैं मैं उसको शोकेस कर देता हूँ कि ये मेरी अपनी प्रोफाइल है। तो इस तरह से आपने वो करना है। अच्छा, काम जो है ना वो ये है कि फ्रीलांस बेस ये होता है कि आपने ऐसी जो ना वो पंच लाइंस ऐसी लिखनी है कि आपको जो क्लाइंट है ना, अब आप 100 लोग आपके साथ हैं जो कि वो भी बिल्ड कर रहे हैं आपके, आप एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, आपने ऐसे क्या क्लाइंट को शोकेस करना है कि वो आपको प्रोजेक्ट। तो आप उसमें सबसे जो मेन रोल है वो आपका जो है ना वो पोर्टफोलियो का, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए और देन आपका जो है ना कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए कि क्लाइंट को आपने अपने अल्फाजों से मुतासिर करना है। ऐसा क्लाइंट आपका काम तो देखेगा लेकिन अगर उसको आपका रवैया ही अच्छा नहीं लगा तो वो आपके साथ काम नहीं करेगा फिर। तो आपने अपना कम्युनिकेशन एक तो बेहतर करना है और साथ में अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग करना है। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको कोई काम, सब हर काम आपको मिल सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अब तो अगर फ्रीलांस में आप बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान इंडस्ट्री में तो फ्रीलांसिंग काफ़ी अभी मेरे ख्याल में 4th नंबर पे जा रही है और अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अब जो भी फ्रीलांसर्स हैं और इंडस्ट्री है आईटी इंडस्ट्री, तो उनको हमने टैक्स फ्री कर दिया। तो अब तो आपके पास मौका है कि फुल आप जो है ना पाकिस्तान में रहते हुए जो है ना वो इसको अवेल करें और जो भी आप इनकम जनरेट करते हैं वो टैक्स फ्री इनकम होगी आपके पास। तो फ्रीलांसर्स के लिए ये बहुत एक अहम पॉइंट आया है पाकिस्तान के अंदर इस गवर्नमेंट में कि आप जो है ना वो फ्री ऑफ जो है ना टैक्स आप होके आप सुकून से अपना काम कर सकते हैं। वरना आपको पहले ही होता था कि आप कोई भी अपनी रेमिटेंस निकाल लें तो उसका जो है ना कुछ हिस्सा टैक्स में आपका चले जाता था। तो अब वो चीज़ जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर ने वो खत्म कर दी है कि अब आप टैक्स फ्री होके अपना काम फ्रीलांसर्स जो है ना वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी खुशाइन बात है पाकिस्तान ने। अच्छा, मेरा थोड़ा सा एक आपसे एक सवाल और, मैं थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूँ, असल में कुछ अरे स्टूडेंट्स नहीं, हैं कोई हमारे बात जो ये नहीं। आपसे सवाल किए हुए थे, तो मैं चाह रहा मैं मैक्सिमम आपसे टाइम आपका ले सकूँ। मुझे पता है आपका थोड़ा स्केड्यूल बिजी होता है, तो असल में हमारे पास एक क्वेश्चन और था कि इसमें लोग हम स्टूडेंट्स हमारे जानना चाह रहे थे कि जो मतलब अपडेटेड सॉफ्टवेयर उसमें टेक्नोलॉजीज यूज होती है, मतलब ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हमारे पास कौन कौन सी इस वक्त मौजूद है जिन पे काम हो रहा है सॉफ्टवेयर हाउसेज में, जैसे अगर मैं PHP, लारावेल या सी लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस वक्त ट्रेंड में होती है, जो आप गाइड करना चाहेंगे कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा इन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए, अपनी स्किल्स को इन सब चीजों के साथ रखना चाहिए, तो आप थोड़ा सा उस हवाले से गाइड कीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमें ना सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि हमारे टारगेटेड ऑडियंस या टारगेटेड जो हमारे लोग हैं वो कौन से, हम किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे कौन से हम रीजन में टारगेट कर रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो करंट काम चल रहा है वो AI तो आ गया है, Web 3.0 के अंदर AI के ऊपर तो काम हो ही रहा है, जिसके अंदर आपके पास PHP वो पाइथन है, जेंगो है और उसके साथ आप जो है ना रूबी ऑन रेल्स पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप चले जाएँ रसबेरी पाई है, इस तरह पर काम तो चल रहा है। लेकिन अगर हम थोड़े से नीचे आ जाते हैं जो कि हमारे फ्रेश जो ग्रेजुएट होते हैं एपटेक से और जो ना वो करंट यहाँ पे एपटेक के अंदर होते हैं 3 या 4 सेमेस्टर के अंदर, तो वो PHP पढ़ रहे होते हैं और PHP के अंदर जो हमारे पास एडवांस अभी फ्रेमवर्क चल रहा है वो लारावेल का चल रहा है। तो इसको देखते हुए अगर आप वो चलते हैं, अगर अपनी पॉलिश करते हैं स्किल्स को लारावेल 8 के अंदर, जो आगे अब लारावेल 9 भी आने वाली है, तो इसके अंदर अगर आप जा रहे हैं तो वो आपको जो ना वो सक्सेस दे सकता है। और अगर आपकी मार्केट US है या अगर आपकी मार्केट UAE है, जैसे अगर मैं UAE का कंपेरिजन करूँ तो मुझे यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादातर फ्लटर का और अपना मोबाइल एप्लीकेशंस के प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट मार्केट है, यहाँ पे जो है ना मार्केट बहुत तेज़ है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की मार्केट बहुत फास्ट है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी विद इन अ मंथ विद इन अ वीक जो है ना वो चेंज होती रहती है, अप्स एंड डाउन यहाँ पर आते रहते हैं, कभी वेब का जो है ना रुझान बढ़ जाता है तो कभी एप्लीकेशन का रुझान बढ़ जाता है। और यहाँ तो टोटली AI पे काम होता है, मतलब अगर आपने कोई भी काम करना है वेब पे भी काम करना है या फिर ऐप पे काम करना है तो इस बात में आपने AI का टच लाजमी देना है क्योंकि इतनी एडवांसमेंट है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट को टच कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो मार्केट को रीड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपकी ऑडियंस क्या है।
आपकी डिमांड, आपकी सप्लाई चेन के अंदर जो है ना वो डिमांड किस चीज़ की है, आप उस चीज़ को जो है ना सप्लाई करो, तो ये एक बेसिक फैक्टर है अगर आपको जो है ना वो देखना है। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे चाहूंगा कि हम प्रोग्राम को अपने वाइंड अप करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे स्टूडेंट को अगर कोई मैसेज देना चाह रहे हैं अपनी साइड से, कि थोड़ा सा अगर उनको गाइडेंस मिल जाए कि आगे जाके जो उनके लिए हेल्पफुल हो। बेसिकली देखिए, गाइडेंस तो ये है कि अब मैंने बात की ना, हर बंदे को अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं एपटेक के अंदर ना, तो वो चाहते तो हैं कि वो जो है ना हम आगे ग्रो करें, लेकिन वो इस चीज़ से डर रहे होते हैं कि अगर हमें जो है ना वो हमारा जो स्टार्टअप है वो फ्लॉप हो जाता है तो हम क्या करेंगे, या हमें अगर प्रोजेक्ट्स नहीं मिले तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं। तो डिसहार्ट होने की चीज़ नहीं है यहाँ पे, आईटी इंडस्ट्री के अंदर आपको जो है ना वो कंसिस्टेंट रहना लाजमी पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर आप जो है ना वो अपने जो स्टार्टअप्स हैं आपको, आप उसको वक्त नहीं दोगे। सबसे पहले तो आपने उसको वक्त देना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंक्लूड करूंगा मैं कि आपने जो है ना टाइम को बहुत अपना मैनेज करना है, कि अगर आप ये समझते हो कि आईटी की फील्ड के अंदर मैं विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स जो है ना सक्सेस ले लूंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको आईटी की फील्ड में रहना है तो आईटी फील्ड के अंदर आपने थोड़ा सा सबर से काम लेना है। अगर आप छोटा सा भी अगर स्टार्टअप ले रहे हो, सॉफ्टवेयर हाउस ले रहे हो, तो उसको मैक्सिमम आप, या मिनिमम मैं बोलूँ, मिनिमम 6 मंथ तो आपने देने हैं। मिनिमम 6 मंथ अगर आप उस चीज़ को दे देते हैं और विदाउट आप ये चीज फिगर करते हुए कि मुझे प्रॉफिट इतना आ रहा है या मुझे इतना बच रहा है, तो इसको अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आप फिर सक्सेस की जो है ना वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि आप जो है ना वो मुझे 6 मंथ हो गए या मुझे 2 मंथ हो गए, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे मुझे, तो फिर आप सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। तो एक चीज़ ये है कि आपको टाइम बहुत जो है ना वो देना पड़ेगा अपने बिजनेस को। सेकेंड ये है कि आपने जो है ना वो स्ट्रेटेजीज जो है ना वो एक मार्केट लेवल की जो है ना तैयार करनी पड़ेंगी अपनी। ऐसा नहीं है कि आप ये समझे कि आपने जो एपटेक में प्रोजेक्ट बनाया है उसी को अगर मैं मार्केट में डिलीवर कर रहा हूँ, क्लाइंट की वो नीड नहीं है, तो आपने क्लाइंट की नीड पूरी करनी है। क्योंकि क्लाइंट जो है ना वो अगर, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि क्लाइंट को आप वो चीज़ दिखाओ जो उसको मांगी है आपको। इसमें मैं एक वो चीज़ बोलूंगा कि आप ऐसे नहीं करो कि आप उसको ये बोलो कि यार ये चीज़ भी पॉसिबल है, ये चीज़ भी पॉसिबल है, ये चीज़ भी पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ है आईटी की फील्ड में, पॉसिबिलिटी हर चीज़ है, लेकिन आपने वो डिलीवर करना है जो उसकी नीड है। अगर उसकी नीड छोटी सी चीज़ में ही पूरी हो रही है तो वो आप उसको दो, आप उसके साथ जाओ। लेकिन आप इसके अंदर ये नहीं करो कि ये इसके अंदर ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल। ऑप्शन तो बहुत सारे बन जाएंगे, सेलेक्टिव ऑप्शन आपने वो देने हैं जो वो चूज करें और उसकी नीड पूरी हो जाए। बस ये चीज़ है जो कि आपने कंसिडर करनी है, बाकी डिसहार्ट होने वाली चीज़ नहीं है। आईटी के अंदर जो है ना बहुत स्कोप है आगे जाके, क्योंकि वेब 3.0 के अंदर आगे आप जाएँ, सिर्फ आप डेवलपमेंट की हद तक नहीं रहेगी आईटी। हमने 3 साल अगर एपटेक में पढ़े हैं और 6 लैंग्वेजेस अगर हमने पढ़ी हैं, तो अभी जो नया स्केड्यूल आया है 2022 से 2023 का, तो उसके अंदर जो है ना वो 6 लैंग्वेजेस को एक अलग अलग डिग्री कंसिडर कर दिया। अगर मैं बात करूँ वेब डिजाइनिंग को, तो वेब डिजाइनिंग को एक अलग कैटेगरी करके उन्होंने उसकी डिग्री बना दी है। वेब डेवलपमेंट को एक अलग डिग्री बना दी है। पहले ये सारे BScS और BSSE के अंदर इंक्लूड होते थे, तो बहुत एडवांस हो गई है। हर इसकी जो है ना ब्रांचेस के अंदर सब ट्रीज बनती जा रही हैं, तो बहुत मैं समझता हूँ इन्हेंसमेंट हो गई है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर अभी भी वक्त है, आप बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं अगर अभी आप इस चीज़ में आ जाते हैं। ठीक है मनीप, थैंक यू सो मच अपने प्रीशियस टाइम के यस लिए और अपनी सो मच काइंडनेस एडवाइस के लिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। जी हाँ, हम मौजूद थे हैशटैग के एपिसोड 3 में और हमारे आज के मेहमान थे सर मुनीबुल्ला, हमारे एपटेक शार FSL सेंटर के पास आउट स्टूडेंट जो कि UAE में सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं। तो मजीद एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अल्लाह हाफिज़।